एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। न हो जमी तो आसमां रास नहीं आता, बिना खिड़कियों के मकान रास नहीं आता। ये मैंने नहीं लिखा, किसी हूर ने कहा था। वो हूर जिसे बंदिशों से सख्त एतराज था, पर बंदिशें ही उसकी पहचान बन गई थी। गम से ताल्लुक इतना गहरा था उसका कि आंसू भरी आंखें उसकी शान बन गई थी। वो दीवानगी बन गई थी जो शहरत पहले थी। वो हूर बाद में थी, औरत पहले थी। शक्ल कुछ याद नहीं, बस इतना कह सकती हूँ, किसी तस्वीर सी खूबसूरत सूरत की थी वो हूर, जो तस्वीर बन के आज मेरी दीवार पे टंगी है। वाह भाई वाह। थैंक्स। अरे वाह भाई वाह, क्या लिखती हो तुम? आई मीन गजब। आपको अच्छी लगी मेरी पोयम? अच्छी? अरे दिल चीर के निकल गई तुम्हारी पोयम। लाल ही लाल, खून ही खून, डन डन डन। तुम्हारी पोएट्री की बुक मैं पब्लिश करवाऊंगा, मैं खुद। फिर देखना, मीडिया आएगी बुक लॉन्च पे, तुमसे सवाल करेगी और तुम भाव खाना। खचक खचक खचक, फोटोग्राफ्स खींचेंगे लोग तुम्हारी, पर तुम भाव खाना। अरे स्टार बन जाओगी तुम, स्टार। पर थोड़ा काम करना पड़ेगा मुझे तुम्हारे लुक्स पर, थोड़ी सर्विसिंग की ज़रूरत है तुम्हें। वो क्या है ना कि हीरे को भी तराशना पड़ता है, रगड़ रगड़ के। मेरे पीछे तो बहुत सारे आर्टिस्ट पड़े रहते हैं, पर तुम मेरे सामने आ गई, तो बताओ ना कब शुरू करें वर्कशॉप। अरे भाई भाई भाई, अरे भाई क्या हो गया भाई, मार क्यों रहे हो भाई? अंतरा,
क्या कह रहा था बेचारा? कुछ भी तो नहीं, बस पोएट्री सुन रहा था खड़ा खड़ा। ऐसी पिटाई होगी गरीब की? सोच, अगर सुनने वाले की ये दुर्दशा हुई है तो कहने वाले की क्या दुर्गति होगी। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि रजत की बहना से कुछ मत कहना, बस दूर से देखते रहना। समझा लौंडे? यस, हमेशा की तरह इस बार भी मैंने टॉप किया है। कांग्रेट्स। थैंक यू। कांग्रेट्स। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेट्स। थैंक यू। कांग्रेट्स। थैंक्स। बेटा माइकल, कांग्रेचुलेशंस, तूने टॉप किया है। नीचे से फेल हो गया। फिर से फेल हो गया तू? फिर से? आसमान से कोई तारा उतर कर जमी पर चले, इस तरह से तू मेरी सारी हसरतों से मिले। तू आए तो धड़के ये दिल, तू जाए तो दिल ये जले। ऐसे में तू ही बता अब, ऐसे में तू ही बता अब हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। वाओ, व्हाट अ कंपोजिशन, क्या लिखा है मैंने। यू नो आई एम जस्ट अमेजिंग। यस यू आर। आई नो। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी सुपर सॉलिड कंपोजिशन के साथ मैं जस्टिस कर पा रहा हूँ? यू आर डूइंग अ डिसेंट जॉब माइकल। गिटार पर हाथ जम गया तेरा? नहीं नहीं, मैं गिटार के बारे में नहीं पूछ रहा था। वोकल कैसा मेरा? अच्छा गाया ना मैंने? जॉय कब आ रहा है? पता नहीं, कॉल नहीं उठाया उसने। बताओ ना कैसा गाया मैंने। जॉय को मैसेज कर, अभी फोन निकाल और टाइप कर। जॉय को बोल कि जॉय तुम कबीला के लीड सिंगर हो, कल से तुम जैमिंग के लिए आओ, क्योंकि तुम्हारे ना आने की वजह से मुझे गाना पड़ता है। जस्ट टू गेट एन आइडिया अबाउट द कंपोजिशन, मेरा ये बोझ हल्का करो। आफ्टर ऑल मैं एक गिटारिस्ट हूँ, सिंगर नहीं। अभी सेंड कर। रजत, इस गाने का अंतरा लिखा तुमने? लिख रहा हूं। अच्छा लिखने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। एलिस, एक और ब्लैक कॉफी मिलेगी? मैं अपना काम कर लूं। गिव मी 2 मिनट्स। ब्लैक कॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार एक जगह पर आकर फंस गया हूँ। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे द परफेक्ट रजत फंस गया है? जो एल्बम हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, उसका एक गाना है जिसका मुखड़ा तो मैं लिख चुका हूँ, लेकिन अंतरे पर आकर फंस गया हूँ, लिख ही नहीं पा रहा हूँ। किस तरह का गाना है? इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग। फिर तुम्हारा फंसना तो ऑब्वियस ही था। कम ऑन यार। एक सोल्यूशन दू? पर आई एम प्रीटी श्योर कि उस सोल्यूशन का तुम्हारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगा। कैसा सोल्यूशन? अंतरा, अंतरा से लिखवा लो। क्या? हाँ, वो भी तो अच्छा लिखती है ना। इस बैंड में सिर्फ मैं लिखता हूँ,
और वो सिर्फ कीबोर्ड प्ले करती है। तुम भी जानते हो रजत की वो कितना अच्छा लिखती है, और यार उसके लिखने से तुम्हें इतनी ऑब्जेक्शन क्यों है? डोंट टेल मी कि तुम उसे लिखने के लिए मोटिवेट कर रही हो। उसे रास्ता दिखाना बंद करो एलिस। जो रास्ता जानते हैं उन्हें रास्ता दिखाया नहीं जाता, और उनका रास्ता रोकना भी नहीं चाहिए। वो अच्छा लिखती है यार, तुम्हें उसे मोटिवेट करना चाहिए, पर तुम करोगे नहीं, सौतेले भाई हो ना। एलिस, गैर के दर्द से दिल को कभी मायूस नहीं किया है, तुमने अपनों के बीच गैर सा महसूस नहीं किया है, तुम नहीं लिख पाओगे, तुम तन्हाइयों की तंग गलियों से गुजरना नहीं चाहते और उदासी की सुरंगों में उतरना नहीं चाहते, तुम नहीं लिख पाओगे। आंखों में कोई दरिया फूटा भी नहीं है, तुम्हारे सीने में अब तक कुछ टूटा भी नहीं है, तुम नहीं लिख पाओगे। अपने अंदर का कुछ तो जलाना पड़ता है, फिर उसकी राख को कागज में बहाना पड़ता है, आगे लिखने के खातिर पिछला मिटाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, छोड़ो ना, तुम नहीं लिख पाओगे। जॉय, फाड़ दिया तू, मालूम फाड़ दिया। यू लाइक इट सर? लाइक इट? अबे रोंगटे देख मेरे, तेरा गाना सुन के अदब से खड़े हो गए। थैंक यू सर। अरे थैंक्स अपना बचा के रख। थैंक्स तब बोलना जब 3 महीने बाद तेरा गाना SRK की पिक्चर में बजेगा। SRK की फिल्म? अरे बच्चे, तेरे को ये पता होना चाहिए कि SRK के हर पिक्चर में एक गाना मेरा होता है, पर इस बार वो तेरा होगा। सर अरे अरे झुक मत, अभी झुक मत, मेरी शर्त तो सुन ले। सर मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। फिर भी सुन, मेरी एक शर्त है, तू आज के बाद किसी के लिए गाना नहीं गाएगा सिवाय मलिक के। डन सर, डन। कबीला के लिए भी नहीं। पर वो तो एक बैंड है सर। तो तू खुद डिसाइड कर, तू बैंड में कुत्तों की तरह चीखने वाले क्राउड के लिए गाना चाहता है या SRK के लिए? क्या कर रहे हो रजत? टी शर्ट ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रही है। ये क्या है? ड्रेस है। डोंट गिव मी स्मार्ट आंसर, ओके? क्या हुआ? ये तुमने सिली है? हाँ। अंतराज, सिली की फाड़ी है रजत, ये ड्रेस। ड्रेस? ड्रेस बोलते इसे? इसे पहनोगी तो क्या छिपेगा अंतरा? क्या क्या शौक है तुम्हारा ये? रजत, इट्स माय पर्सनल चॉइस। पर्सनल है तो पर्सनल रखो ना, प्रदर्शनी क्यों लगानी है? ड्रेस बना रही है लेकिन पहनना नहीं, अगर पहनी ना तो गोली मार दूंगा। घूरो मत, समझी? गुमास्ता। क्या मस्त नूडल बनाया अंतरा, झकास, मजा आ गया। क्या वो क्या है ना भाई लोग, आज अपन तुम लोगों पर थोड़ा सा गुस्सा होना मांगता है। तो रजत क्या बोलता है तू, निकालू क्या गुस्सा है? देख तू बोलेगा तो निकालेगा, क्योंकि इस बैंड में तो वही होता है ना जो तू बोलता है। कोई प्रॉब्लम है क्या गुमास्ता? देख माइकल, ऐसा है कि लाइफ में छोटा मोटा प्रॉब्लम तो लगा ही रहता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी हिम्मत हार जावे। बस यही सोच सोच के मैं हिम्मत करता गया, करता गया।
मगर इसका मतलब क्या तुम लोग मेरे चेस्ट पर बैठकर ऐसा मसाला कूटोगे बे? है? और बोलो। हाँ बोलेंगा ना, मैं सब बोलेंगा। आप बैंड मैनेजर हो, आपको बोलने का हक है। क्या बोला तू मेरे को? मैं बोला बैंड मैनेजर बोला तू मेरे को? साला बैंड मैनेजर है मैं, हैं? साले बास्केट, बैंड प्रोड्यूसर है मैं, बैंड प्रोड्यूसर। सिर्फ तुम लोग को मैनेज ही नहीं करता है, ये जो तुम लोगों का तरंगी सतरंगी टाइप का स्टाइल है ना, ये भी मेरे बाप के डॉलर दिनार से पॉसिबल होता है मालूम? साला पंटर माइकल, बैंड प्रोड्यूसर है मैं क्या? बैंड प्रोड्यूसर। मेरे को मालूम है तुम लोग मेरे बाप की मेहनत की कमाई को कहां घुसा रहे लाए। अपना एल्बम रिकॉर्ड कर रहा है ना तुम लोग, अच्छा है करो करो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कॉन्सर्ट की तैयारी भी तो करो ना भाई लोग। करते हैं ना, करते हैं। जॉय नहीं है और एंजॉय कर रहे हो तुम लोग, हैं? कॉन्सर्ट अगले हफ्ते है, वहां क्या तंबूरा बजा के वापस आने वाले हम लोग? डोंट वरी, वी विल रॉक द शो। आई डोंट वरी बट आई एम इन हरी। गाना तैयार हुआ क्या रे रजत? हो जाएगा। कब ब्रदर, व्हेन? अच्छा लिखने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। ए देख भाई, इतना मत सोच कि सोच सोच के मेरा बीपी बढ़ जावे। ये मेरे को टोचन देना बंद कर, समझा? देख भाई रजत, तो कुछ भी लिख, कुछ भी, पर मेरे को इस बार कॉन्सर्ट में रॉकिंग आउटपुट मांगता है क्या? तो कब सुनने आया मैं तेरा गाना? बस एक दो दिन। मैं रजत के मुंह से सुनेगा तब मानेगा। ये देख, ये आंखों से बोला, ट्यूसडे डन। मंगल को आता है मैं। एलिस, क्यों चाहिए लव, क्यों चाहिए रोमांस? एक गाने में इसके अलावा भी तो कुछ और कहा जा सकता है ना। जैसे? जैसे ब्लड, वायलेंस, मर्डर, गोर। आई विश तुम थोड़े रोमांटिक होते। आई विश कि तुम मुझे समझ पाती। तुम्हें कोई समझ पाया है रजत? मैं चाहता भी नहीं कि कोई और मुझे समझे। लेट्स एंड दिस हियर, वरना ज्यादा हो जाएगा। तुम बिलीव नहीं करोगी पर मैंने उस रोमांटिक गाने का अंतरा लिखे लिया। Oh, really? सुनोगी? या, why not? मैं अभी अपनी नोटबुक लेकर आता हूँ। प्लीज। क्या कर रहे हो तुम रजत? अपनी नोटबुक ढूंढ रहा हूं। तुम ये सब फेंक क्यों रहे हो? तुम्हारी नोटबुक तुम्हारे रूम में होगी ना। मेरे रूम में नहीं है इसलिए मैं यहां ढूंढ रहा हूं। ये सब फेंको मत प्लीज। ये क्या है? ये इसमें मेरी पोइम्स है। तुमसे किसने कहा लिखने को? रजत प्लीज लीव माय रूम। रजत, रजत क्या कर रहे हो? रजत स्टॉप, रजत, रजत क्या कर रहे हो? रजत प्लीज स्टॉप, रजत नो। जलता है रजत,
हर उस इंसान से जो उससे ज्यादा टैलेंटेड है. ही इज द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन ऑफ दिस बैंड. बैंड छोड़ो, मैं तो कहता हूं इस शहर का भी कम है. इस प्लेनेट का सबसे ज्यादा इनसिक्योर पर्सन है वो. छोड़ना यार. छोड़ दिया ना यार, कबीला छोड़ दिया. ए भाई ऐसा मत बोल, 4 दिन बाद कॉन्सर्ट है अपना, जैमिंग के लिए आ रहा है ना तू. माइकल क्यों गांव में ऐसे बैंड के लिए जिसे एक बंदा अपनी दादागिरी से चला रहा है. माइकल मैं बंगाली लौंडा हूं. अरे म्यूजिक मेरे लिए पूजा है यार. तू आएगा ना कल? माइकल तेरे को पता है कि रजत ने मुझे लीड वोकलिस्ट क्यों बनाया, तुझे क्यों नहीं? क्योंकि तू मुझसे अच्छा गाता है. ये बात रजत भी जानता है और साले तू भी, कि तू मेरे से बहुत अच्छा गाता है. फिर भी रजत मुझसे ही गवाता है. जानता है क्यों? क्यों गवाता है वो तुझसे? क्योंकि अगर वो तुझसे गवाएगा ना, तो जो कबीला आज उसकी कॉम्पोजिशन और लिरिक्स की वजह से मशहूर है ना, वो तेरी आवाज की वजह से फेमस हो जाएगा. जो कि माई फ्रेंड रजत की कॉम्पोजिशन और लिरिक्स से ज्यादा दमदार है. वो ऐसी किसी चीज को ऊपर नहीं उठने देगा जो कि लेवल में उससे ज्यादा है. वो मुझसे गवाता है बिकॉज आई एम नॉट एज गुड एज यू आर. मेरे भाई आई नो माई लिमिट्स. मैं इस जमाने में सिर्फ प्लेबैक सिंगर बन सकता हूं क्योंकि वहां ऑटोट्यूनर चलता है और वहां सब चलता है. तू क्यों नहीं छोड़ देता कबीला? क्योंकि वो रजत ही था जिसने मुझे दिल्ली के उस कैफे से उठाकर गिटारिस्ट बना दिया, वरना आज भी लोग मेरे ऊपर चोनिया फेंका करते. अमिताभ बच्चन तू ज्यादा ना फेंक मत. मेरे को मालूम है तू कबीला में इसलिए टिका हुआ है ना क्योंकि उधर अंतरा है. ए शट अप यार. माइकल माइकल भला की सेक्सी है वो. माइकल भला की सेक्सी. अभी तूने मेरी नजरों से देखा कहाँ है? कुछ भी मत बोल. खून मांगती है पता तेरे को, खून मांगती है वो लड़की, खून. तू कल आ रहा है ना? अबे बोला ना नहीं. आ जाना यार भाई प्लीज. नहीं आऊंगा. प्लीज आ जा. अबे जाना. उड़ता रहता है क्यों बनके स्पाइडरमैन, खाई है मेरी नींद, निगला है मेरा चैन, उलझन में मुझको है डाला, कितना डस्पो है ये साला, मीटर से चाबी छीन के भीतर का खोला है ताला, साला. सीने में रहता था जब तक करता रहता था ये धक धक, हाथों में ब्रेसलेट जैसे बांध के रखना पड़ता है दिल, लाइलाज सा दिल, चालबाज सा दिल, जालसाज सा दिल. कठिनाई है जीवन में एस्ट्रोलॉजर ने बोला, तन मन में ऐसा डॉक्टर ने बोला, चलता है गिरता है गिर के संभलता है, गिरगिट की भांति ये रंगत बदलता है, सर पे बिठाया था जब तक कानों में करता था बक बक, हाथों में ब्रेसलेट जैसे बांध के रखना पड़ता है दिल, लाइलाज सा दिल, चालबाज सा दिल, ये जालसाज सा दिल.
चल अभी निकलते हैं। अभी? अभी तो सुरूर चढ़ा है, नशा तो चढ़ने दो। रजत का फोन आ जाएगा यार। रजत का फोन नहीं हुआ, सुनामी हो गया। तू रजत से इतना डरता क्यों है माइकल? डरता नहीं हूँ मैं, समझी? तो सुनना सुपरमैन, फोन पे नहीं दारू पे ध्यान दे। और तुझे यही जगह मिली दारू पीने के लिए? क्यों, इस जगह में क्या बुराई है? See the people around. लोगों की नजरों में बुराई हो सकती है, जगह में तो कोई बुराई नहीं है। क्यों, है ना भाई साहब? सही बात है। चल जल्दी भी यार। रिलैक्स माइकल, तेरी इज्जत को यहाँ कोई खतरा नहीं है। चुप कर यार। तो कुछ बताने वाला था ना, बोलना। अभी मत बोल। क्या है? पोएम है, मैंने लिखी है। क्या बात कर रहा है, पढ़ना। मेरा नसीब रोमियो के जैसा है, मेरे पास नहीं बहुत सारा पैसा है, तुझे मैंने दिल चीर के दिखा दिया, और तू पूछ रही है मेरा हाल कैसा है। कैसी है? तूने लिखी है? हाँ। सच बता। मदर प्रॉमिस। सच बताऊं माइकल? बहुत वाहियात है। बहुत उमस है भाई। देख, तेरी पोएम सुन के भले इंसान भी भाग गए। तूने कभी समझ ही नहीं पाएगी मेरे को। माइकल अपसेट मत हो यार। ये नहीं पूछेगी मैंने पोएम किसके लिए लिखी? मेरे लिए और किसके लिए? और किससे लिखी? खून से। मुर्गी के खून से? माइकल क्या है यार ये सब? मैं बहुत लाइक करता हूँ तेरे को। माइकल दिस इज इनसेन। मैंने कितनी बार कहा है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड अंतरा? स्कूल से बोलता आ रहा हूँ, जोक लगता है तुझे। खून भी बहा दिया तेरे लिए, फिर भी बिलीव ही नहीं हो रहा है। I just can't believe how obsessed you are. Yes, I'm obsessed. और डरता नहीं हूं मैं। अंतरा, I'm sorry. पता नहीं क्या हो गया था मुझे, ये सब उस कमीनी बियर का फॉल्ट है। और कुछ? I'm really very sorry. समझ नहीं आता ऐसी हरकत कैसे हो गई मुझसे। Relax, Michael. एक शेर सुनेगा? मैंने नहीं लिखा, किसी और का है। हाँ हाँ सुनाना प्लीज। तो शेर कुछ यूं है माइकल, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नजर डाली, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। कल का कॉन्सर्ट ठीक ठाक रहा? नहीं कभी तो खुल के प्रेस किया करो गौमस्ता। अबे फाड़ू था कल का कॉन्सर्ट, लोग तो अपना कपड़ा फाड़ फाड़ के फेंक रहे थे। अरे 50-60 लोग तो भीड़ के नीचे दब के मर गए मालूम। खुश? हाँ, वॉर ऑफ द बैंड अक्टूबर में है, मैंने फॉर्म भर दिया है, इस बार श्रीलंका में हो रहा है। वाओ दैट्स ग्रेट यार। है ना? किससे पूछकर फॉर्म भरा तुमने? अपनी अंतरात्मा से। एनी प्रॉब्लम गुमास्ता? तुमको अच्छे से पता है ना ये मेरा उसूल है कि मैं किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता।
आई डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशंस। ए सुन भाई, ये जो तेरा बैंड है ना, ये मेरे बाप के पैसों से चलता है, तेरी ये उसूल फुसूल से नहीं चलता, समझा? तो पैसे कमा रहे ना हम लोग कॉन्सर्ट से, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल रहा है ना? कितना कितना? तेरे को पता है कि मैं कितना खर्चा करता है तुम लोगों के पीछे मिस्टर आर्टिस्ट? और तेरे को पता है कि तुम लोग कितना कमा कर दे रहे हो मेरे को? पर तेरे को पता है अगर हम लोग वॉर ऑफ द बैंड जीत गए तो कितना पैसा मिलेगा? 1 crore। आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। माइकल तू बीच में मत बोल, समझा? तू ये क्या करे सर है? ये आपके उसूल के चक्कर में घर पर बैठा रहे? आई थिंक इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। तुम अंदर जाओ, मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ। ए विनोद खन्ना, इधर मेरी बात सुन। अभी हम लोग श्रीलंका जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। आज तक तू बोलता रहा और मैं सुनता रहा, पर अब सब फिनिश। या तो वॉर ऑफ द बैंड में पार्टिसिपेट कर या नया बैंड प्रोड्यूसर ढूंढ ले, समझा? ये धमकी है? हाँ। सुनो बे, समझा लो अपने इस यूनियन लीडर को। तू किस चिंता में डूबा है बंगाली? एक प्रॉब्लम है गुमास्ता। 100 प्रॉब्लम है, तू एक बोल भाई। मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, मैं नहीं जा सकता। वो जो पिछले साल तू पढ़ाया गया था, क्या पानी के रास्ते तैर के गया था बे? है मेरे को धतिंग देना बंद करो तुम लोग और स्टार्ट बिहेविंग लाइक प्रोफेशनल्स, समझे? और उस रजत को भी समझा लो, या तो वॉर ऑफ द बैंड या दी एंड। अंतरा, चिकन और मिलेगा क्या? मस्त बना है। हेलो। हे, घर पे हो? हाँ, मैं आ रहा हूँ। एनीथिंग अर्जेंट? यस। रिगार्डिंग? रिगार्डिंग मी? इवन आई वांट टू टॉक टू यू। रिगार्डिंग? रिगार्डिंग अस। ओके। आई एम लीविंग। कहाँ जा रही हो? बैंगलोर वापस। मैंने बताया था ना तुम्हें, माई फ्रेंड्स आर शूटिंग अ डॉक्यूमेंट्री एंड आई एम जॉइनिंग एज अ क्रू। और मैंने भी बताया था ना कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है। 4 साल से यहीं तो हो रहा है रजत, तुम बता रहे हो और मैं सुन रही हूँ, पर अब ना जरा ज्यादा हो गया है। ये रोज रोज का खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ जाओगी? एलिस यू कांट डू दिस, यू कांट गो लाइक दिस, समझी? रजत इट्स ऑल ओवर नाउ। क्या ओवर यार, क्या ओवर? क्या करके लोगी तुम अकेले? अकेली मैं नहीं रजत, अकेले तुम हो, मेरे दोस्त है मेरे साथ। I'm sorry रजत, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जो तुम्हारे साथ है वो मजबूर है, और शायद मैं मजबूर नहीं हूं। लगता है देखे हैं ख्वाब।
से कोई आंखें डरे। हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। बास्केट साला कैसे होगा रे सब? रिलैक्स, जो आएगा बंगाली तो बोल रहा है वो हम लोग को लंका में ज्वाइन करेगा, उसकी दादी बीमार है। फिर से? अरे वो बंगाली तो आ जाएगा, लेकिन तेरे भाई का क्या है? साला बात ही नहीं कर रहा है मेरे से। वो लंका जाएगा भी या नहीं, क्या चल क्या रहा है उसके दिमाग में? कब जा रहे हैं हम लोग हैं? कब जा रहे हैं श्रीलंका? Is everything okay between you and Alice? Who the f*** is Alice? जीसस, ओह माय गॉड, आई एम डाइंग माइकल, मर जाएगा मैं। ये धोखा दिया साला जॉय मेरे को, बास्केट साला। ये बंगाली लमडक काट दिया रे माइकल मेरा। गमास्ता मत रो यार प्लीज। माइकल रो नहीं रहा मैं, ये देख रो नहीं रहा है, दुहाई दे रहा है, मैं दुहाई दिल देता है, रो रो दुहाई। ये आर्टिस्ट लोग से कोई प्यार ना करे माइकल। मालूम 5 लाख खर्चा किया है मैं ये लंका आने के लिए, 5 लाख, और वो साला जॉय मेरे को बोलता है नहीं आएगा, लंका नहीं आएगा। सब बर्बाद हो गया रे, सब बर्बाद हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय जीसस, अब मेरा गाना कौन गाएगा? ए माइकल, माइकल। रजत समझाओ ना अरगमास्ता को। यार गलत किया जॉय ने। हाँ गलत तो किया, पर अब कर क्या सकते हैं। मैं गाऊं क्या? क्या रजत, देखो हम लोग कितनी फाइट मार के यहां तक आए हैं, और गुमास्ता ने भी कितना खर्चा किया है। ये सब बेकार जाएगा अगर हम बिना परफॉर्म के वापस गए, तो कम से कम मुझे एक मौका तो दो। माइकल लेट मी मेक दिस क्लियर वंस एंड फॉर ऑल, ये तो एक गिटारिस्ट है, सिंगर नहीं। आई नो रजत, बट बिना परफॉर्म के हारने से तो अच्छा है हम लोग कम से कम परफॉर्म तो करें। और किसी मीडियोकर सिंगर के साथ परफॉर्म करके अपना नाम खराब करने से तो अच्छा है ना कि हम श्रीलंका के एग्जॉटिक ब्यूटी को देखें और इंडिया वापस जाएं। Special, we have someone here who didn't come here to compete.
beat. He came here to intoxicate you with his entrancing melody. We present to you, Kabir. बारात में आए हुए भूतगणों का स्वागत है। धुआं मेरे अंदर जब भी जाए, मैं भी अपने अंदर चला जाऊं। तन के इस हिमालय से मैं कूदूं, मन की गंगा में डूब जाऊं। सारा संभारा चला है मेरू वाला, राजा ही तोड़े बंधना की देरी। मैंने ये माना, गलीबों ने भी माना, फिर मेरी बातें ही लगे क्यों तेरी। शायद जो बोले तो वो शायर, मैं जो बोलूं तो मैं शेरी सब मैं उड़ता रहता हूँ, चलते रहते हैं सब मैं उड़ता रहता हूँ। सीधे रस्तों पे भी मुड़ता रहता हूँ, सीधे रस्तों पे भी मुड़ता रहता हूँ। दुनिया ये बोले मुझको बेशर्म हूँ मैं, दुनिया ये बोले मुझको बेशर्म हूँ मैं। सातों ने छोड़ा मुझको, अब धर्म हूँ मैं। तब रूप में सुन जो मैंने छेड़ी, तब रूप में सुन जो मैंने छेड़ी, सबने बोला के तूने शेरी शेड़ी। अरे यार, कबीर क्या गाता है, क्या लिखता है, उसको लाइव देखकर तो मैं फिर से लाइव हो गया। हाँ, एक बॉब मार लेता और एक ये तेरा कबीर है। कमोन यार, इसे सिंगर नहीं बोलोगे तो फिर किसे बोलोगे। हाँ ठीक गाता है। ही इज ऑसम। चालीसा पढ़ना उसके नाम का। रजत लिसन टू मी, वी शुड अप्रोच कबीर, उसे बोलते हैं हमारे बैंड में गाने के लिए। देख फालतू बात मत कर, वो क्यों गाएगा हमारे लिए। अरे मैंने सुना उसके बारे में, वो बहुत मस्तमूला टाइप का आदमी है, अगर हम उसे प्यार से बोलेंगे तो वो गाएगा हमारे लिए। माइकल तेरे को पता है तू क्या बोल रहा है। पूछने में क्या जाता है, ज्यादा से ज्यादा ना बोल देगा। और ना क्यों सुनना है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। वन मोर कॉफी प्लीज। जी मैं वेटर नहीं। तो खाकसार को नंदी कहते हैं।
भाई साहब आप कहीं और जाकर खांसिए, हम यहाँ कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, अब जाइए। बड़े भाई, कितने फॉलोअर हैं आपके ट्विटर पे? क्या मेरे 2000 हैं, अब हो गया। और आपके बड़े भाई? 25,000, अब ठीक। नाउ प्लीज लीव। आपको पता है मेरे कितने फॉलोअर हैं ट्विटर पे? हमें सीरियसली जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 56,000 फॉलोअर्स। पता है क्यों? बता दो। क्योंकि मैं कबीर का फॉलोअर हूँ। आई एम नंदी एंड आई एम कबीर्स मैनेजर। क्या बात कर रहे हैं सर? आई थिंक आई शुड लीव नाउ। वेटर, ते एक आक, वन मोर कॉफी। इतना तो मैं जानता हूँ आप माइकल हो, और आप बड़े भाई रजत। क्या बात कर रहे हैं, आप जानते हैं हमें? नहीं, मैं बहुत देर से आप लोगों की बातें सुन रहा था। छोटू, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, कबीर एक मस्त मौला इंसान है, एक रमता जोगी है। वो जो भी प्यार से मिला वो उसी के हो लिए। तो क्या वो हमारे लिए गाएगा? गाएंगे, अगर आप प्यार से मिले तो। रजत, अब तो हमें मिलना ही चाहिए उससे। मुफ्त में गाते हैं आपके कबीर? बिल्कुल मुफ्त। कबीर पैसों के लिए नहीं, सुकून के लिए गाता है। रजत, अब तो हमें मिलना ही चाहिए उससे, वो पैसे भी नहीं लेता। पर मैं लेता हूँ। क्या? जी हाँ, मैं आप लोगों को कबीर से मिलवा दूंगा, पर बदले में आप लोगों को मेरी छोटी सी फीस देनी पड़ेगी। फीस? हाँ भाई, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? भगवान को जो भोग लगता है वो भगवान थोड़ी ना खाते हैं, पंडित ही खाते हैं। बहुत ही पूजा, अब मैं चलता हूँ। रजत। छोटू, तुम्हारे बैंड मैनेजर कौन है? बैंड मैनेजर नहीं, बैंड प्रोड्यूसर है मैं। मतलब हमारा बैंड इन्हीं के पैसे पल रहा है। आई सी। तो चाचा, आपके लिए वॉर ऑफ द बैंड जीतना कितना इम्पोर्टेंट है? बिड़ू, उतना ही जितना एक अंधे के लिए दो आँख। मैं आपको 3 दूंगा। दर्द तो हो रहा नहीं होगा तुमको? गांजा फूकने के बाद दर्द नहीं होता ना कबीर? यहाँ पैर तुड़वा के लेटे हो, अब तो मान जाओ मेरी बात, ये नशा छोड़ दो, इसी की वजह से तुम गिरे हो। मामू, जिसने उठाया है वो क्यों गिराएगा? वाह क्या बात कही, तो तुम इस गांजे की वजह से नहीं गिरे तो कैसे गिरे हो? छत पर काई जमा हो गई थी या दुनिया घूम घूम के तुम्हारी चप्पलें घिस गई थी? मैं छत से गिरा नहीं, कूदा था। ये क्या मजाक है? मामू, याद है आपने एक बार मुझसे कहा था कि हमें मौत पे गाना बनाना चाहिए? हाँ, कहा था। आप बहुत अलग म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं मामू, आपके आइडियाज भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, पर आपका ये मौत वाला आइडिया मुझे सबसे अच्छा लगा। आई रियली वॉन्ट टू मेक अ सॉन्ग ऑन डेथ। और इसका तुम्हारे छत से कूदने से क्या वास्ता? मामू, आप तो जानते हैं ना, मैं जब तक किसी चीज को महसूस ना कर लूं उसके बारे में लिख नहीं पाता हूं, और अब मौत को महसूस किए बगैर मैं मौत पे गाना कैसे लिख सकता हूं? और मौत को महसूस करने के चक्कर में अगर सचमुच इंस्पिरेशन को ढूंढते हुए एक आर्टिस्ट शहीद हो जाता, इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है? ब
पिडू तेरा हर एक एल्बम मार्केट से खरीद खरीद के सुना है मैं, मालूम? माँ कसम, भगवान आपकी माँ को लंबी उम्र दे, कबीर का कोई एल्बम बिकाऊ नहीं है। इनके गाने फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल होते हैं। अच्छा, हाँ वो मैं फ्री वाला भी पैसे देके डाउनलोड करता है ना। बाबा मैं बस इतना कहूँगा, ये अच्छे लोग हैं। इनका लीड सिंगर बीमार पड़ गया है, बेचारे हिंदुस्तान से आए हैं, अगर यहाँ तक आकर वॉर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे तो इनके लिए बड़ा सेटबैक होगा। ऐसा भी कोई पहाड़ नहीं फट जाएगा। ए तू चुप रहना मेरे भाई। आई लाइक हिज एटीट्यूड, एक हार से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बिडू तेरे लिए कहना इजी है, लेकिन यहाँ आकर के भी हम अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए ना तो हमारी लाइफ का तो दी एंड हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप कितने परेशान हैं, पर मैंने कभी किसी बैंड के लिए गाना नहीं गाया। बस इस वॉर की बात है बाबा, गा लीजिए, इनकी डूबती नाव तर जाएगी। देख भाई नंदी, इतने भी बेचारे नहीं हम लोग, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। गुमास्ता, मुझे लगता है कि आपका बैंड सेल्फ सफिशिएंट है, आपको मेरी जरूरत नहीं है। जरूरत है बिडू, जरूरत है। देख मैं तेरे को समझाता है, तू एक धमाकेदार सिंगर तो है, उस पर लिखता भी एकदम फाड़ू है, और इस बार वॉर ऑफ द बैंड का जो थीम है ना लस, उस पर गाना तू ही लिख सकता है, मालूम? गुमास्ता, इससे तो सिर्फ गवारा था ना। लगता है आप भी लिखते हैं। पन तेरे जैसा कहां भिड़ू। मैं नहीं दे सकता आपका साथ। प्लीज डोंट से नो, मेरे को इधर ही हार्ट अटैक आ जाएगा मालूम। अरे तुम रोना चालू मत करो यार, बाबा समझो ना इनकी सिचुएशन। नंदी तुमने इन्हें बताया नहीं, मैं सिर्फ उन लोगों के साथ काम करता हूं जिनसे मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, और फिलहाल इनकी तरफ से मुझे पूरी तरह से पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही है। सॉरी मैं नहीं गा सकता। यस मैन, तुम नहीं कर सकता। एक्चुअली तुम उतना बड़ा आर्टिस्ट है नहीं जितना है बाहर का लोग तुमको मानता है। तुम इस टॉपिक पर गाना नहीं लिख सकता। अरे लिख ही नहीं पाएगा बाबा, ये मैं कह रहा है ना, इसीलिए तुम बहाने बना रहा है। अरे तुम नहीं लिख सकता बेड़ू, मालूम? तुम नहीं लिख सकता। आप कलम तो दीजिए, हम इतिहास लिख देंगे। तुमसे नहीं होगा। मतलब आप हमारे साथ आएंगे? आप पेड़े खाएंगे? वॉर ऑफ द बैंड्स की थीम क्या बताई आपने? लस लस लस। मैं जब तक किसी चीज को महसूस ना कर लूं, महसूस ना कर लूं, उसके बारे में लिख नहीं पाता, लिख नहीं पाता। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों।
क्या हीरो, बिचौले कब से बन गया रे तू? बिचौलिया? एजेंट, एजेंट कब से बन गया रे तू? क्या बोल रहे हो? क्या जरूरत थी उस नंदी बैल को गुमास्ता से मिलवाने की? तू जानता है ना कि वो सिर्फ गाएगा नहीं, लिखेगा भी। और तू ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस कविला में सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉन्ग राइटर है। इधर देख रजत। रजत भाई सुनो मेरी बात। वॉर ऑफ द बैंड के पहले राउंड में हर बैंड को दो गाने गाने होते हैं। जो बैटर होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। एक गाना कबीर लिखेगा और एक तुम लिखना। जो बैटर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। देख माइकल, ये लीडर बन के मेरे सामने बात मत कर, समझा? और जिसका बेटर होगा उससे मतलब क्या तेरा? तेरे को क्या लगता है कि वो नशेड़ी मेरे से अच्छा लिख सकता है क्या? तुम्हारा गाना ही बेटर होगा, आई मीन बेस्ट होगा। कबीर तुमसे अच्छा लिख ही नहीं पाएगा। सो ही विल एंड अप द सिंगिंग फॉर अस। तो हमारा काम तो निकल ही जाएगा ना। जो जॉय करने वाला था अब वो कबीर करेगा। एज ए सॉन्ग राइटर तुम्हारी पोजिशन तो सेफ ही है ना। तेरे को क्या लगता है कि मुझे अपनी पोजीशन छिन जाने का डर है? अब एक सिंपल सी बात तुम लोगों के दिमाग में नहीं घुसती क्या कि मैं कंपटीशन पे बिलीव नहीं करता हूं? कल तुम लोगों ने बोला कि वॉर ऑफ द बैंड में कॉम्पीट करो, ठीक है मान लिया, चला आया मैं यहाँ पे। लेकिन आज अपने ही बैंड के अंदर मुझे खुद को प्रूव करने के लिए उस नशेड़ी से कॉम्पीट करना पड़ेगा। बोल मेरे को, कॉम्पिटिशन पे बिलीव नहीं करते आप? क्या क्या बोल रही तुम? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बोला ना तुमने अभी, कंपटीशन कंपटीशन। रजत उसने कहा कुछ बोला? चुप, कान है मेरे भी, सुनाई देता मेरे को। हाँ अंतरा, क्या बोला तुमने? कंपटीशन पे बिलीव नहीं करते या कंपटीशन से डरते हो, यही बोला ना तुमने? नो यस, यही बोला ना तुमने कि मैं कंपटीशन से डरता हूँ, डर लगता मुझे हारने से, यही बोला ना तुमने? मैंने कहाँ बोला, तुम खुद बोल रहे हो। रजत रिलैक्स यार, डरता नहीं हूं मैं, समझी? अंतरा यू प्लीज नहीं। ए मैं क्या, सुन अब ना मैं उस कबीर से कॉम्पीट भी करूंगा और उसको बता दूंगा कि मैं कौन हूं, समझा? कुछ लोग होते हैं जिन्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर जगह समंदर मिल जाते हैं। क्या जरूरत थी रजत से ऐसे बात करने की? तुझे नहीं लगता यहाँ का पानी अपने यहाँ के पानी से ज्यादा साफ है? हाँ कुछ ज्यादा ही साफ है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि इसमें सबकी असली सूरतें दिख जाएंगी। ये क्या कर रहे हो यार? ड्रम्स तोड़ने का इरादा है क्या? हमें एक गाना बनाना है, कोई जंग नहीं जीतनी। टेक इट इजी, इतना एफर्ट मत डालो। अच्छा तो साहब लिखेंगे भी, गाएंगे भी और आप सिखाएंगे भी? ऐसा तो कोई इरादा नहीं है, पर अगर मुझसे कोई सीख मिल जाती है तो लेने में क्या हर्ज है। थैंक्स, बट नो थैंक्स डूड। लाइफ में जो कुछ भी सीखा है खुद से सीखा है। ऐसे ही किसी को अपना गुरु बनाने का कोई शौक नहीं मुझे। जो किसी से नहीं सीखते उन्हें लाइफ सिखाती है, और गुरु तो बस बजाना सिखाते हैं, लाइफ बजा बजा के सिखाती है। एक बार शुरू से शुरू करें? हाँ अगर प्रवचन खत्म हो गया तो शुरू से शुरू करते हैं। कुछ लोगों को जरूरत भी है शुरू से शुरू करने की। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, अब तो तुमसे वाइब्स भी अच्छी मिल रही है। अच्छा, छोटे बच्चों से हमेशा अच्छी ही वाइब्स मिलती है मुझे। कहीं तुम्हारा पूरा नाम कबीर माइकल जैक्सन तो नहीं? वो
बुरे नाम में क्या रखा है मेरे दोस्त? भिड़ू मैं क्या सोच रहा था, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। स्मोक? नो। और मैं अपने भाई से, सौतेले भाई से डरती भी नहीं। पर मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, इससे पहले तुम सोचते मैं रजत से डरती हूँ इसलिए मना कर दिया। मैंने खुद बता दिया कि मैं उससे नहीं डरती। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला था। ये माउथ ऑर्गन तुम बजाती हो? हाँ। वाह, माउथ ऑर्गन भी, कीबोर्ड भी, तुम तो काफी मल्टी टैलेंटेड हो। तुम तारीफ कर रहे हो या ताना मार रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ताना मारूंगा? क्योंकि अक्सर लोग ताने ही मारते हैं। अक्सर लोग समझदार भी कहाँ होते हैं। और तुम समझदार हो? इतना तो हूँ कि जेन्युइन टैलेंट की तारीफ कर सकूं। थैंक्स। तो इन सब के अलावा भी कोई शौक? ये तो सिर्फ शौक है, करना तो कुछ और चाहती हूँ। अच्छा, क्या करना चाहती हो? तुम हंसोगे। तुम प्रिडिक्ट बहुत करती हो, कहीं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बनना चाहती? एक्चुअली आई राइट पोइट्री, मुझे शायरा बनना है। अरे तुम तो हंसने के बजाय और सीरियस हो गए, लगता है पूरे उल्टे हो। पूरा क्या बात है बिड़ू, इतना जल्दी में काय को बुलाया हम लोगों को? रिलैक्स चाचा, रिलैक्स। क्या प्रॉब्लम हो गई कबीर भाई को? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। क्या हुआ, बोलो सही। कबीर यहाँ से जाना चाहता है। क्या? ऐसा मत बोल बिड़ू, मेरे को इधर ही हार्ट अटैक आ जाएगा मालूम। वो क्या है ना चाचा, कबीर का मानना है कि इस होटल में ढंग से जैमिंग नहीं हो पा रही है। वो अपने आउट हाउस जाना चाहता है और आप लोगों को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। क्या? श्रीलंका बहुत खूबसूरत है और कबीर का आउट हाउस सबसे खूबसूरत है। वहाँ खुली हवा में खुल के जैमिंग हो सकती है और आपके खर्चे भी बच जाएंगे। कब चलना है हम लोग को? कल? नो थैंक्स, हम लोग यहाँ ठीक है। और कबीर को बोलो कि एक अच्छा म्यूजिशियन कहीं भी जैमिंग कर सकता है। बोलने से पहले सोचता है तू? है? मुझे तो नहीं लगता। हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। मुझे तुम लोगों से बात करने का है, अकेले में। अभी क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को कबीर के आउट हाउस जाने में? है प्रॉब्लम? कबीर का आउट हाउस नहीं, कबीर खुद है। यहां कौन काट रहा उसको? यहाँ पर जैमिंग नहीं कर सकता क्या वो? ये रजत, वो नंदी क्या बोला सुना ना तू? वो बोला खुली हवा में खुल के जैमिंग करेंगे उधर, समझा? मैंने कह दिया ना नहीं जाएंगे। तेरे को भी कोई प्रॉब्लम है क्या रे माइकल? अबे बोलना। हाँ साले, तेरे को क्या प्रॉब्लम है बे? बस है तो है साले, तुम लोगों को क्या लगता है बे? है? कि पैसा पेड़ पे उगता और मैं तोड़ तोड़ के लेके आता है? आई एम पुटिंग हार्ड ऑन मनी ऑफ माई फादर ऑन यू ग्रास्कल्स। साले पैसा कमाना नहीं जानते तो कम से कम बचाना तो सीखो बे। गुमास्ता, बोलने का नहीं, सिर्फ सुनने का, समझा? चुपचाप से अपना बैग पैक करो। और हां, इस बार बैग में अपना ईगो मत पैक करना।
बाबा, आपके आउट हाउस जाने के इस फैसले ने सबको हिला दिया है। रजत बेचैन है, माइकल वर्गला गया है और चाचा गुमास्ता इन दोनों के बीच में फंसे हैं। पर कोई है जो इस फैसले से खुश भी है और उसने आपके नाम पर ये पैगाम भेजा है। ये तो एक नज़्म है। क्या मुझे सुनने की इजाज़त है? तानाशाह हैं जो हर बात पे ताने भी देते हैं, बला की तरह रिश्तों को जाने भी देते हैं, माहौल को जो बातों से नोकीला बना देते हैं, चार बेजुबानों को लेकर कबीला बना लेते हैं। उन लोगों से दूर, बहुत दूर जाना है, दिल दुखाए बिना किसी का बेकसूर जाना है। फरार हूं मैं, तुम भी रिहा हो जाओ, मेरी तरह थोड़े से तबाह हो जाओ, उन राहों में मेरे हमराह हो जाओ, जिन राहों में सिर्फ रास्ते हैं, कोई मोड़ नहीं है। वो रास्ते जो सीधे, बहुत सीधे गुजर जाते हैं, आगे चल के वक्त की खलाओं में उतर जाते हैं। वो रास्ते जिन्हें मंजिलों की परवाह नहीं है, वो रास्ते जिन पे चलने की कोई वजह नहीं है। उन रास्तों पे मेरे साथ चलोगे? उन रास्तों पे मेरे साथ चलो ना। बहुत गहरी नज़्म थी तुम्हारी। तुम्हें पसंद आई? समझ आई और पसंद भी। कहां से इंस्पिरेशन मिलती है तुम्हें? जिंदगी से। जिंदगी हमेशा किसी ना किसी को म्यूज बनाकर भेज देती है मेरे सामने, बस उसी से इंस्पायर होती हूँ। इंटरेस्टिंग। तो आज जो नज़म तुमने सुनाई, वो किस म्यूज से इंस्पायर होकर लिखी थी? बाबा बाबा, ये म्यूज क्या होता है? माउस सुना था पर म्यूज? अरे जाहिल इंसान, तुम इतना भी नहीं जानते? सोहबत का बिल्कुल भी असर नहीं है तुम्हारे ऊपर। म्यूज वो औरत होती है जिसे इंस्पायर होकर महान आर्टिस्ट अपनी रचना करते हैं। अंतरा तो खुद एक औरत है, तो वो किसी को कैसे म्यूज बना सकती है? क्यों नहीं बना सकती? अगर एक मर्द के लिए एक औरत म्यूज हो सकती है, तो एक औरत के लिए भी तो एक मर्द म्यूज हो सकता है। बहुत मस्त जगह है बड़ो। है ना? तो ये पूरा प्रॉपर्टी क्या कबीर का है? बाबा के नाना की है, मतलब बाबा की ही है। तो उसके नाना लंका के थे? इंडियन ही थे, यहाँ आकर बस गए थे। बहुत से टी स्टेट हैं उनके। तो किसी दिन अपन चाय पीने चलेंगे? चाय तो यहाँ पी सकते हैं चाचा। ऐसे ही हंसते रहा करो चाचा, इतना टेंशन मत लिया करो, वरना सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे बिड़ू, अपन तो बहुत हंसी मजाक टाइप का आदमी है। वो तो साला ये पंटर लोग अपना सर का बाल नोचे रहता है ना, तो रोना आता है मालूम। एक बात बताओ चाचा, इतनी ही परेशानी है इस बैंड से, तो क्यों पैसा लगाते हो इन कंजरों पर? वैसे भी आपका और इनका मिजाज भी एकदम अलग है और जुबान भी। बिड़ू तेरे को मालूम है, अपना भी एक बैंड हुआ करता था गनसाफ कोलीवाड़ा करके। ये भिमंडी का गणपति तो अपने बैंड के परफॉर्मेंस के बगैर कभी उठता ही नहीं था मालूम। क्या बोल रहे हो? बहुत धमाल बैंड था अपना, बहुत धमाल। फिर क्या हुआ? बैंड टूट गया। क्यों? जिमी क्विट एंड जॉर्डी गॉट मैरिड। सब अपनी अपनी जिंदगी में बिखर गए बिड़ू, और फिर इनको संभालने वाला भी तो कोई नहीं था। ये आर्टिस्ट लोग ना बहुत नाजुक टाइप का होता है, इनको संभालने के लिए कोई कड़क आदमी मांगता है जो इनको बिखरने से बचाए। उस टाइम पे अपन लोगों को भी कोई गुमास्ता मिला होता
तो अपना बैंड कभी नहीं टूटता था। चाय पियोगे चाचा? कुछ खाने को मिलेंगे क्या? कंफर्टेबल ही है? क्या अगर यहां किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मत पूछना। अरे नाइस ड्रेस, पता नहीं मेरे बैग में कैसे आ गई, पर मैं इसे नहीं पहनती हूं। तो शायद तुम जानती नहीं हो कि इस ड्रेस में तुम कितनी खूबसूरत लगोगी। अरे भाई छोटू, चाचा गुमास्ता किधर है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं, एकदम सफेद लग रहे हो यार, वैसे ही जैसे आदमी जलने के बाद हो जाता है। कोई काम था गुमास्ता से? हाँ, चाचा को ये फीस लौटानी थी जो मैंने कबीर से मिलवाने के लिए ली थी। पर ये पैसे वापस क्यों कर रहे हो? अरे भाई चेहरे से लगता होगा पर मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं ये देखना चाहता था कि कबीर को अपने बैंड में लेने के लिए तुम लोग कितने सीरियस हो, और चाचा गुमास्ता ने मेरी फीस देकर ये साबित कर दिया कि वो सीरियस हैं। ये टेस्ट मेरा स्टाइल है और इस टेस्ट में तुम्हारा बैंड पास हुआ। मतलब जो पैसे दे सकता है वही सीरियस है? इसीलिए तो मैं तुम्हें छोटू बोलता हूँ। जो पैसा दे सके वो सीरियस नहीं होता, जो फटी जेब से निकाल कर पैसा दे सके वो सीरियस होता है। ये पैसा चाचा गुमास्ता को लौटा देना और उनको बोलना दो जोड़ी सूट सिलवा लें। वैसे अगर तुम मुझे चाचा गुमास्ता से नहीं मिलवाते तो तुम लोगों का कल्याण कभी नहीं हो पाता। हाँ, इन सब की जड़ में आई हूँ। कुछ लोगों को बैल मारता है और कुछ लोग कहते हैं आ बैल मुझे मार। सही बात है। के दोस्तों, क्या सुनना पसंद करेंगे आप? बताइए बताइए, क्या सुनना पसंद करेंगे आप? कुछ नहीं। क्या चल रहा है सब? क्या चल रहा है? देखो अंतरा, वो बनने की कोशिश मत करो जो तुम हो नहीं। मैं क्या हूं और क्या बनने की कोशिश कर रही हूं? क्यों नाच रहे हो उस नशेड़ी की धुन पर? क्या जानती क्यों तुम उस कमीने के बारे में? यू नो ही अपने बाप का नाम तक नहीं पता उसे। तो पता नहीं ऐसा क्या पसंद आ गया तुम्हें उस नशेड़ी में। वो शराबी भी है, वो शबाबी भी है, वो शराबी भी है, वो शबाबी भी है, आदतें उसकी कुछ नवाबी भी है, पर उसके
पीछे पर उसके ढंग अच्छे हैं, जैसा भी है वो हम उसी के संग अच्छे हैं, क्योंकि उसके ढंग अच्छे हैं, क्योंकि उसके ढंग अच्छे हैं, क्योंकि उसके ढंग अच्छे हैं। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आप श्रीलंका घूमना चाहती हैं। तुम सीआईडी हो? जी नहीं, मैं गाइड हूं। वापस आता है जब सांसें सवर जाती हैं, बिखरी सी धड़कन की सीरत झट से निखर जाती है, सांसें सवर जाती है सीरत निखर जाती है, होश में है दुनिया पर हम मलंग अच्छे हैं, क्योंकि उसके ढंग अच्छे हैं, क्योंकि उसके ढंग अच्छे हैं, क्योंकि उसके ढंग अच्छे हैं। कंजर सा बन के फिरे हैं, निकला है जब से शहर से, कंजर सा बन के फिरे हैं, निकला है जब से शहर से, सूखा सा तिनका सा पत्ता बगावत करे है शजर से, बगावत करे है शजर से, है सियाह सारे पर उसके रंग अच्छे हैं, और उसके ढंग अच्छे हैं, और उसके ढंग अच्छे हैं, उसके ढंग अच्छे हैं। ढंग बदलता नजर आ रहा है तुम्हारा, बहुत घूम रहे हो। उसे श्रीलंका बहुत पसंद है। और तुम्हें? वो इंडिया से फोन आया था, बड़े फेमस लोग हैं, मुंबई में तुम्हारा कॉन्सर्ट करवाना चाहते हैं। मैं इंडिया नहीं जाऊंगा। मुझे पता है, मैंने भी उनको बता दिया कि तुम इंडिया में परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक किया आपने, पर कब तक लोगों को मना करता रहूंगा? कभी तो परफॉर्म करोगे ना इंडिया में? मैं इंडिया में उस दिन परफॉर्म करूंगा जब वहां के लोग मुझे मेरी माँ के नहीं मेरे नाम से पहचानेंगे। रजत? हाँ, अंतरा कहाँ है? ये बताने के लिए पूछ रहा है ना कि वो कबीर के साथ है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना गलत हो रहा है। तुझे क्या लगता है, मुझे ये सब सही लग रहा है? मैंने ऐसा कब बोला? नहीं, तू क्या सोचता है कि मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है? बोलना, अबे बोल। ये गिटार टोटली अनट्यून्ड हो गया। तुम बहुत अच्छा लिखती हो अंतर। अच्छा, क्या अच्छा लगता है मेरी पोइट्री में? बेबाकपन, बिल्कुल फियरलेस राइटिंग है तुम्हारी। हाँ, वो तो होनी चाहिए। पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जब तक ख्याल मेरे मन में रहता है बिल्कुल फियरलेस रहता है, लेकिन जब उसे लिखने बैठता हूँ तो
हजार बातें मुझे डराती हैं। लोग उसे पढ़कर क्या सोचेंगे, किसी को पसंद आएगा या नहीं, समझ आएगा या नहीं, ये सब सोचते सोचते जो ख्याल मेरे अंदर था वो कागज़ पर बहुत डाइल्यूट होकर आता है। वैसा नहीं लिख पाता जैसा सोचता हूँ, शायद बहुत प्रिटेंशियस हूँ मैं। तो प्रिटेंड करना बंद कर दो। मसरूफ से दिन में फुर्सत का महीना पहन के वो आया है मुझसे मिलने आज, आईना पहन के मेरे वजूद पे उंगलियां उठती आई हैं हमेशा से, पर उसके आईने में उंगलियों के निशान नहीं दिखते। जो चाहता हूं जमाने से वो इंसाफ नजर आता हूं, उसके आईने में क्यों मैं बहुत साफ नजर आता हूं, उसके आईने में क्यों मैं बहुत साफ नजर आता हूँ। बाबा से जुड़ा हूँ मैं, बाबा से जुड़ा हूँ मैं। बाबा, मैं भी एक गाना लिख रहा हूँ। अच्छा? हाँ, पर सिर्फ मुखड़ा ही लिख पाया हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतरा तो आपके पास है। बहुत स्वीट है अंतरा। हाँ बहुत। पहली बार किसी लड़की के इतने नज़दीक आए हो आप, वरना महिलाओं से तो भागते हुए ही पाया है आपको। मैं तो सबसे भागता आया हूँ नंदी। तो क्या अब रुकने का इरादा है? रुक गया तो गाना नहीं लिख पाऊंगा। तो अंतरा के साथ जो कुछ भी है वो सिर्फ गाने के लिए है? किसी चीज को जब तक महसूस ना कर लूं उसके बारे में लिख नहीं पाता। भूल गया क्या? मैं तो नहीं भूला। ये गुना काला खट्टा
Who's she? My mother. बहुत खूबसूरत हैं। हाँ। वो एक शायरा थी। Really? हाँ। बहुत गहराई थी उसकी पोएट्री में, जैसे तुम्हारी पोएट्री में होती है। मैं 17 साल का था जब मैंने उसे पहली बार अपना गाना सुनाया था। जानती हो उसने क्या कहा था? क्या? जिंदगी में जब तक किसी से प्यार नहीं हो जाता, तुम्हारे गानों में गहराई नहीं आएगी। अल्फाज होंगे, उनके मायने भी होंगे, पर वो उतने असरदार नहीं होंगे। तो अगर चाहते हो कि तुम्हारे गाने लोगों के दिल में उतर जाएं, तो पहले किसी को अपने दिल में उतारो, किसी से प्यार करो, और प्यार इतना करो कि इंतहा हो जाए। पर बदले में प्यार की उम्मीद मत करो, बस प्यार करो। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सादी थी, बिल्कुल बच्चों की तरह साफ मन था उसका। उसके जैसा लिखना चाहता हूं, पर कभी लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल उसके जैसा नहीं हूं। शायद अपने बाप पर गया हूं। और वो कैसे थे? उनके बारे में बस इतना जानता हूं कि मेरी माँ उनसे बेइंतहा प्यार करती थी। सारी जिंदगी उनके प्यार में पागल रही। इसके अलावा उनके बारे में कुछ नहीं जानता, उनका नाम भी नहीं। ये माउथ ऑर्गन तुम्हें बहुत प्यारा है ना? हाँ, सबसे प्यारा। ये माउथ ऑर्गन मेरी माँ का है। ओह, सो शी आल्सो यूज्ड टू प्ले? शी वाज अ कंपोजर। वाओ। पर उनकी धुन कभी लोगों तक पहुंच नहीं पाई। क्यों? मेरे पापा को पसंद नहीं था कि माँ ये सब करें, उन्हें कोई और पसंद थी। म्यूजिक शोर लगता था उन्हें। जब भी मेरी माँ माउथ ऑर्गन बजाती थी तो वो इरिटेट हो जाते थे। एक दिन इतना इरिटेट हो गए कि उसे गोली मार दी और भाग गए। किसी तस्वीर सी खूबसूरत सूरत की थी वो हूर, जो तस्वीर बनके आज मेरी दीवार पे टंगी है। वो बस इतना चाहती थी कि उनकी धुन लोगों तक पहुंचे, पर ऐसा हो नहीं पाया। कहाँ जा रही हो? बहुत देर हो गई है। हाँ, और तुम्हारा भाई, सौतेला भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। रजत मेरा सौतेला भाई नहीं है, He's my real brother. क्या? हाँ। तो तुम सबको क्यों बोलती हो कि वो तुम्हारा सौतेला भाई है? अगर किसी को सच बताऊंगी तो कोई मानेगा? सौतेला कोई रिश्ते से नहीं, बर्ताव से बनता है। अंतरा, अंतरा कहाँ से आ रही हो तुम? अंतरा, 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 अंतरा क्या हो रहा है सब? कैन यू प्लीज स्टॉप प्लेइंग? अंतरा स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट प्लीज। चांटा क्यों? गोली मार दो ना, ताकि कोई मेरी आवाज ना सुन सके। यही चाहते हो ना तुम? तो?
रजत स्कूल के एक छोटे से कंपटीशन में हारे हो, दिल छोटा नहीं करते, तुम्हें तो जिंदगी भर जीतना है। अरे अब मुस्कुराओ थोड़ा सा। पर मैं हार गया हूं ना। कोई बात नहीं, होता है। बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है, तुमसे आगे कोई नहीं जाना चाहिए, यू हैव टू बी द बेस्ट, समझे? बनोगे ना द बेस्ट मेरे लिए? हाँ बनूंगा, मैं कंपोज करूंगा और अंतरा लिखेगी, हम दोनों मिलके बनेंगे द बेस्ट। नहीं नहीं अंतरा नहीं लिखेगी, उसे मत लिखने देना। क्यों? क्योंकि वो जब भी लिखती है ना तो खुद को एक्सप्रेस करती है। पर खुद को एक्सप्रेस करना तो अच्छी बात होती है ना। पर एक लड़की जब खुद को एक्सप्रेस करती है ना तो लोग उसे आज़ाद समझते हैं, और अगर लड़की आज़ाद हो तो उसे बुरा मानते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी लिखाई बंद करवा देते हैं, और अगर वो नहीं मानती है ना तो उसे मार डालते हैं, उसे मार डालते हैं रजत, समझे? नहीं। क्या चल रहा है ये? सौ बार मना कर चुका हूं कि म्यूजिक मत बजाओ मत बजाओ मत बजाओ, मानती क्यों नहीं तू? भगवान भगवान पेट दे तो भूख मत दे, भूख दे तो रोटी भी दे रे, रोटी भी दे। रियलाइज ही नहीं होता ना तुझे, तेरे लिए खून बहाया, फेल हुआ, गिटार नहीं बजाना था मुझे, सिंगर बनना था, फिर भी गिटार बजाता रहा ताकि कबीले में रहूं, तुझे देखता रहूं, मर जाऊंगा तब रियलाइज होगा क्या तुझे? रियलाइजेशन बहुत सही टॉपिक छेड़ दिया तूने। पता है माइकल, एक लड़की थी, वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका बाप उनके प्यार के खिलाफ था। उसने अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना, तो एक दिन उस लड़की ने सुसाइड कर ली, अपने बाप को उसकी गलती रियलाइज कराने के लिए। बाप फिशिंग जाया करता था, बेटी की मौत के गम में 4 दिन फिशिंग नहीं गया, फिर 5वां दिन आया और वो फिशिंग जाने लगा वैसे ही जैसे रोज जाया करता था। पता है माइकल, किसी के मर जाने से भी किसी को कुछ रियलाइज नहीं होता, लाइफ चलती रहती है। तुझे गिटार बजाना है बजा, गाना गाना है गा, डिसाइड कर, बस किसी को रियलाइज कराने की कोशिश मत कर। क्या है बाप बेटी वाली कहानी सच्ची है? हाँ, मुझे अल्बर्ट कैमू ने सुनाई थी। वो कौन है? दूर के रिश्ते में मेरा मामा लगता है। एक नया गाना सुनेगा माइकल? चाचा आप इतने रिलैक्स क्यों हो? कल वॉर ऑफ द बैंड का पहला राउंड है, आपको टेंशन नहीं हो रहा? टेंशन किस बात का बेडू है? जब रिजल्ट अपने को पता हो तो टेंशन किस बात का है? एक बात बता तू मेरे को,
तूने कभी लोगों को साथ में जैमिंग करते देखा है? न रजत अपना गाना कबीर को सुना रहा है, न कबीर अपने ट्रिप से बाहर आ रहा है। वॉर ऑफ द बैंड नहीं, वॉर विद इन द बैंड चल रहा है इधर, मालूम? पनबिड़ू, मेरे को एक बात अच्छे से पता है कि कबीला जीते या ना जीते, मैं जीत गया। क्योंकि जिन लोगों को मैं अपने साथ लेकर आया था, वो लोग मेरे साथ वापस नहीं जाएंगे, और जो लोग मेरे साथ वापस जाएंगे वो बदले हुए लोग होंगे। नई दुनिया के बसने से पहले तूफान आता ही छ बिड़ू, और वो तूफान आ गया है बाबा। ऐसे में टेंशन क्या लेना? कुछ खाओगे चाचा? नहीं बिड़ू, अब मैं सोएगा। वो बिल्कुल मेरे जैसी है नंदी, अकेली, उदास, पागल, कोई नहीं समझता उसे, बिल्कुल मेरे जैसी है वो। गाना लिखा आपने? लिखा नहीं, उसने लिखवाया है। अंतरा कहाँ है? चाटा तुमने मारा है ना, तो तुम्हें बताओगा। तुम्हारा लिखा हुआ गाना मैं गाऊंगा। क्या? मैं गाऊंगा। पर हमारे गाने तो कबीर गाने वाला है ना। दो गाने आना, कबीर का लिखा वो गाएगा, तुम्हारा लिखा मैं गाऊंगा। कबीर को क्या बोलेंगे? कबीर को बोल दिया मैंने, वॉर ऑफ द बैंड के फर्स्ट राउंड में रजत का गाना मैं गाऊंगा। उसने क्या बोला? स्माइल किया। क्यों गवाऊं मैं तुझसे अपना गाना? क्योंकि मैं अच्छा गाता हूँ और मैं डिजर्व भी करता हूँ। किसने बोला? मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, किसी को रियलाइज हो या ना हो, पर मैंने डिसाइड कर लिया है, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, तो गाना मैं गाऊंगा। नहीं गाने दूंगा। तो गिटार भी नहीं बजाऊंगा। देख के भी रुकती नहीं, गीली हो गई है रूह सूखती नहीं, लाल रंग देख के भी रुकती नहीं। ताजा जिस्म देखा तो नजर उतार ली, वरना टोपी सर से कभी झुकती नहीं। तेरे गंदे खून से पत एक एक नस नस है, ये तेरी हवस है, ये तेरी हवस है, ये तेरी हवस है, ये तेरी हवस है। Can we have Kabir song? हकीकत से बहुत दूर, तसव्वुर के पहाड़ों पर तेरी बाहों में लिपटा हुआ ख्याली होना चाहता हूँ। तेरी बाहों में लिपटा हुआ ख्याली होना चाहता हूँ।
ख्वाबों से भर जाने की ख्वाहिश नहीं है मुझे, जवाबों से भर जाने की ख्वाहिश नहीं है मुझे, हाँ मगर सवालों से खाली होना चाहता हूँ, खाली होना चाहता हूँ। तू जो आसमान है मैं बादल हो जाऊं, तू जो आसमान है मैं बादल हो जाऊं, इतना तुझको जान लूं कि पागल हो जाऊं, तेरी जुल्फों का आसिया तेरे लबों का गुलाबी, तेरी जुल्फों का आसिया तेरे लबों का गुलाबी और तेरे सुर्ख गालों की, लाली होना चाहता हूँ, लाली होना चाहता हूँ। कबीर, आपके गाने में प्यार है, गहराई है, आई मीन इट्स द बेस्ट सॉन्ग आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, पर इसमें लस्ट कहाँ है? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। वर यू अवेयर ऑफ द थीम? कबीर, आर यू लिसनिंग? कबीर, इज दिस योर फाइनल सॉन्ग? यस, दिस इज माय फाइनल सॉन्ग। वेल, इन दैट केस I feel pain to announce that you guys do not qualify for the next round. But what about Rajat song? Usme to lust thi na? Haan, lust to thi, par wo baat nahi thi jo War of the Bands ke liye chahiye. What do you mean by that? It was Kikes song. Achha, to ye tu decide karega. Par kya kam hai Rajat ke gaane mein? Michael, ye War of the Bands hai. Hamare kuch standards hai. क्योंकि कबीर का गाना थीम से हटकर था, कुछ और वक्त है आपके पास, कोई दूसरा गाना है? कोई और गाना है क्या लस के ऊपर? क्यों माइकल? आके पकड़े भी, होठ लगा कर डांटे भी, कान के पास ये काटे भी, कर दे सुकून को ये तबाह, काला खट्टा जहरीला ये गुनाह, ये गुनाह, काला खट्टा जहरीला ये गुनाह, ये गुनाह। ये गाना किसने लिखा? अंतरा। Who's Antra? Is she a part of the band? She's very much a part of this band. She's my sister. This song truly defines lust. You guys qualify for the next round. इस गाने की वजह से बच गए तुम लोग, समझा माइकल? But where is Antra? Why is she not here?
पता नहीं क्या हो गया है मुझे। आज जो गाना मैंने गाया उसमें वो गहराई थी जो इससे पहले मेरे किसी गाने में नहीं थी। कैसे लिखा तुमने वो गाना? लिखा नहीं, किसी ने हाथ पकड़कर लिखवा दिया। लगता है as if my soul is possessed, मुझे किसी से प्यार हो गया है। मेरा गाना कैसा लगा तुम्हें? It was beautiful. पूछोगे नहीं मैंने कैसे लिखा? कैसे? कभी मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी मैं कुछ लिखती हूँ एक म्यूज को नज़र में रख के लिखती हूँ जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। हाँ, फॉर दिस सॉन्ग यू वर माई म्यूज। मैं? हाँ, क्यों? एक मर्द कभी म्यूज नहीं हो सकता। कबीर तुम सुन के शायद अनकंफर्टेबल हो जाओ, बट आई वॉज लस्टिंग अपॉन यू। अब तक जो भी वक्त तुम्हारे साथ गुजारा वो सिर्फ इस गाने के लिए। मुझे जज कर रहे हो ना? हर बार प्रेडिक्ट करती हो तुम और हर बार गलत प्रेडिक्ट करती हो। अंतरा, थैंक्स फॉर गिविंग मी द सॉन्ग ऑफ माई लाइफ। दीदारे यार हो कभी ये फितूर है मुझे, है ये वहशत अगर तो वहशत पर गुरूर है मुझे। तुम दिखोगे नहीं ये यकीन है मगर मैं पलटूंगा ये शख्स जरूर है मुझे। हंस के हंसता भी नहीं, रो के रोता भी नहीं, कुछ ऐसा तेरे गम का सुरूर है मुझे। फासला निजाम है अगर तो गवारा नहीं मुझको, अगर हुक्म है तेरा तो फिर मंजूर है मुझे। अगर हुक्म है तेरा तो फिर मंजूर है मुझे। डरते थे ना कि लोग तुम्हें तुम्हारी माँ से कंपेयर करेंगे, कहेंगे कि यार इस कबीर के गाने में वो बात नहीं जो उसकी माँ की शायरी में हुआ करती थी। पर आज जो गाना तुमने गाया है वो अगर इंडिया में भी गाते तब भी लोग कंपेयर करते और कहते कि हाँ माँ की शायरी में जो गहराई थी वही बात बेटे के गाने में भी है। अब तो परफॉर्म करोगे ना इंडिया में? सदियों का ये राबता भी कल का लगता है। तूने लब से जिसको छुआ जिस पर है तेरी इनायत, तूने लब से जिसको छुआ जिस पर है तेरी इनायत। हाँ उसी लाल मैं की मैं प्याली होना चाहता हूँ, प्याली होना चाहता हूँ। हकीकत से बहुत दूर तसव्वुर के पहाड़ों पर तेरी बाहों में लिपटा हुआ
ख्याली होना चाहता हूँ, तेरी बाहों में लिपटा हुआ ख्याली होना चाहता हूँ। जवाबों से भर जाने की ख्वाहिश नहीं है मुझे, जवाबों से भर जाने की ख्वाहिश नहीं है मुझे, हाँ मगर सवालों से खाली होना चाहता हूँ, खाली होना चाहता।